कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हम सब की तरफ से। तो इंशाल्लाह आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा, हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा है। तो आज की जो वीडियो है, आज मैं अपनी कैट्स की डिवॉर्मिंग करवाने लगी थी, सब कैट्स की, बड़ों की, छोटों की, किटन्स की, सबकी। तो मैंने सोचा चलें एक वीडियो भी इसके बारे में बना लेते हैं। पहले भी मैंने एक डिवॉर्मिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की हुई है। उस वीडियो में हम लोगों ने ना एक टैबलेट के साथ डिवॉर्मिंग की थी, यूनिप्लस के साथ, यूनिप्लस अल्ट्रा के साथ। तो वो टैबलेट जो है ना, वो हर किसी को अवेलेबल इजीली नहीं उनको अवेलेबल होती, हर किसी को इजीली वो नहीं मिल रही थी। तो आज जो है मैं डिवॉर्मिंग करूंगी एक सीरप से, और वो आपको इजीली मिल जाएगा हर जगह से। तो आज हम लोग करने लगे थे, तो सोचा चलो डिवॉर्मिंग कर ही देते हैं, तो उसके साथ साथ आपके लिए एक मैं वीडियो भी शूट कर लूँ ताकि आपको भी कुछ हेल्प हो जाए, और कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी थे उनका भी मैं इसमें रिप्लाई करूंगी। ये है वो सीरप, फेंजोल 10%, फेंजोल 10% के नाम से ये सीरप है, साइमंस का है, ये आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। ये वाला जो है ये हम आज सीरप यूज़ करेंगे, और ये बहुत सेफ है, बिल्कुल सेफ है ये कैट्स और किटन्स की डिवॉर्मिंग के लिए। इवन आप इसको डॉग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वो सीरप है, ये वो डिवॉर्मर है जो आप अपनी प्रेगनेंट कैट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारी कैट प्रेगनेंट है, क्या हम उसकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं? हर डिवॉर्मर सेफ नहीं होता उसके लिए। आप फेंजोल के साथ आप ईजिली अपनी प्रेगनेंट कैट की डिवॉर्मिंग भी कर सकते हैं। फेंजोल, अच्छा अजान हो रही थी तो मैं इसलिए जरा रुक गई थी। तो फेंजोल 10% जो है ये सिरप जो है, इसकी हर तरह के वॉर्म्स को किल नहीं करता, ये कुछ स्पेसिफिक काइंड्स हैं जिनको ये किल करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत सेफ है। अगर आपको और टैबलेट नहीं मिल रही है तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, और आप इसके साथ इजीली डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की, तो मैं आपको बताऊंगी न्यू बॉर्न से लेके अडल्ट कैट तक का मैं बताऊंगी। जब न्यू किटन पैदा होता है तो उसके पैदा होने के 20 डेज के बाद आप उसकी डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। 20 to 28 days के अंदर अंदर आपको डिवॉर्मिंग एक बार करवा लेनी चाहिए। अगर आपका किटन 1 month का है तो आपको उसकी उस टाइम डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए, और किटन जब तक 6 month के नहीं हो जाते तब तक किटन्स की हर मंथ एक दफा डिवॉर्मिंग लाजमी करवानी चाहिए। जब 6 month के बाद आपने अपने किटन्स की, जब तक वो अडल्ट नहीं होते और थ्रू आउट देयर लाइफ, आपने उनकी आफ्टर 3 months आपने डिवॉर्मिंग करवानी है, ठीक है? आपने बर्थ से लेके 6 month तक हर महीने, और 6 months के बाद आपने 3 months के बाद डिवॉर्मिंग करवानी है। अच्छा, अगर वो लोग जिन्होंने कभी डिवॉर्मिंग करवाई नहीं अपनी कैट्स की, या फिर बहुत टाइम हो गया, 3 months से ज़्यादा हो गए डिवॉर्मिंग करवाए हुए, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने अगर आज डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं तो आप आज देंगे एक डोज, उसके बाद आपने 10 days के बाद दोबारा से देनी है, और फिर 10 days के बाद आपने 3 months के बाद करवानी होगी डिवॉर्मिंग, ठीक है? अगर आपने पहले कभी नहीं करवाई, या आपने बहुत टाइम से डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, तो फिर आप ऐसे करेंगे, एक आज देंगे, फिर एक 10 days के बाद डोज देंगे, फिर उसके बाद आपने 3 months के बाद देनी होगी अपनी कैट्स को। इसकी डोजेज की बात करें तो इसकी डोजेज जो है ये 2 kg पे आपने 1 ml देना होता है, 1 ml पर 2 kg के हिसाब से आपने ये अपनी कैट्स को देना होता है। बाकी डोजेज इसके साइड पे लिखी भी होती है, आप वहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा मफिन है माशाल्लाह से, वो 5 kg का है, तो हम उसको 2.5 ml ये हम देंगे उसको। और मेरे किटन्स जो हैं वो 500 grams के हैं, तो उनको मैं 0.5 ml इसकी डोज आज मैं दूंगी। तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा इसकी डोजेज का। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज डिवॉर्मिंग करनी थी तो सोचा एक आपके लिए वीडियो बना। चलें जी, अब हम डिवॉर्मिंग करते हैं अपनी कैट्स की। Thank you.
मैक्स बैठा है, मैक्स को पिला दे। कितना? मैक्स का वेट है 3 kg, मतलब मैक्स को आप लोगे 1.5, 2 दे दो। कितना भी है? मैक्स को 2 दे दो। ना ये मैक्स की तो डिवर्मिंग हो गई, बड़ा एग्रेसिव था, मैं आपको दिखा नहीं सका, बड़ी मुश्किल से इसकी डिवर्मिंग की है, तो अब इसे हम छोड़ रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। ठीक है जी, जाओ अब। अब बुलाओ किसी और को। किसका नाम लिखा हुआ है? स्कूबी को बुलाओ। अब स्कूबी, अब स्कूबी का, स्कूबी को हम डिवर्मिंग करवाएंगे। स्कूबी को भी बहुत ज्यादा करवाना मुश्किल है, एग्रेसिव है। हम लोगों ने ना सारे वेट्स जो है वो चेक करके लिख लिए हुए। अब जी हम इसकी डिवर्मिंग कर रहे हैं इस शहजादे की। अब हम इसकी डिवर्मिंग कर रहे हैं शहजादे की, इसकी डिवर्मिंग करेंगे। ये देखें, हमने इसका वेट लिखा हुआ है, हमने तमाम जितनी भी कैट्स हैं ना हमारी, हमने सबका वेट लिखा हुआ है, मेंशन किया। आप एक मज़े की बात बताऊँ, ये स्ट्रीट कैट का बेबी है, इसकी हम एक दिन ना इस पे पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरी पिक्चर बनाएंगे। हाँ, ये हमारा जो स्कूबी है ना, ये स्ट्रे कैट और उसका पर्शियन का ये मिक्सचर है। स्ट्रे कैट, खैर हमने उसको खुद ही पाला था, तो था तो वो स्ट्रे, लेकिन बाद में वो हमारा हो गया था, और ये उसका और पर्शियन की ब्रीड है मिक्स। और माशाल्लाह देखें इसकी, हम इस पे किसी दिन देखें, हम इस पे किसी दिन वीडियो बनाएंगे। ये देखें इसकी, इंशाल्लाह कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊंगी। ये माशाल्लाह देखें कितना एक्स्ट्रा लार्ज बिल्ला है। है भी बड़ा लविंग और केयरिंग। स्कूबी की एक और भी हैबिट है जो ऐसी कैट्स बहुत कम होती हैं, और वो हैबिट मैं इसकी वीडियो में ही आपको बताऊंगी, अभी नहीं बता रही। स्कूबी की हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे स्कूबी। तो इंशाल्लाह आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।